आज के इस वीडियो में बात करेंगे सुपरस्टार अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन के ओवरसीज एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ आपको बताएंगे जूनियर एनटीआर की फिल्म देवरा के अब तक के ऑल लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। और दोस्तों बात करने वाले हैं बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग्स से लेकर एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव अपडेट के बारे में, साथ ही साथ बात करेंगे सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राजा साहब और सलार 2 की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो, साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें पिछले महीने रिलीज हुई पैन इंडिया फिल्म देवरा के बारे में, शिवा कोटाला के डायरेक्शन में बनी देवरा जिसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा 5 भाषाओं में रिलीज किया गया था और फिल्म का बजट था 300 करोड़ रुपए। बताना चाहूंगा दोस्तों इस फिल्म में हमें टॉलीवुड स्टार यंग टाइगर जूनियर एनटीआर देखने को मिले थे, वही बॉलीवुड के एक्ट्रेस जानवी कपूर और बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान भी नजर आए थे। सही मायने में दोस्तों देवरा एक परफेक्ट पैन इंडिया फिल्म थी, जिस मूवी में एक्टर और डायरेक्टर तो साउथ के थे लेकिन फिल्म की हीरोइन और विलन बॉलीवुड का था, जिसके चलते ही दोस्तों इस फिल्म ने जितनी शानदार कमाई साउथ से की उतना ही बढ़िया कलेक्शन इस फिल्म का हिंदी वर्सन में भी रहा। जी दोस्तों आपको बता दें कि देवरा फिल्म को सिनेमाघरों में आज फाइनली 4 हफ्ते पूरे हो चुके और यही कहूंगा कि फिल्म ने 4 हफ्तों में हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पूरी तरह से धमाकेदार कमाई की। हालांकि दोस्तों आज फिल्म को जहां 4 हफ्ते हो चुके और अभी फिल्म के पास 1 हफ्ता और बाकी है, क्योंकि जब तक दीपावली पर सिंघम अगेन और भूलभुलैया 3 रिलीज नहीं होती तब तक देवरा फिल्म के पास अच्छी खासी स्क्रीन रहेगी। तो देखते हैं दोस्तों फिल्म ने 4 हफ्तों में तो शानदार कमाई की है, 5वें हफ्ते में इस फिल्म का कलेक्शन और कितना होता है। लेकिन इस वक्त अगर बात करें देवरा के अब तक के यानी कि 28 दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में, दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म ने रिलीज होते ही अपने पहले हफ्ते के अंदर ऑल इंडिया ग्रोस कलेक्शन 293 करोड़ 82 लाख रुपए का किया था। वही दोस्तों दूसरे हफ्ते में फिल्म का ग्रोस कलेक्शन इंडिया में 90 करोड़ 38 लाख रुपए का रहा था। वही दोस्तों फिल्म का तीसरे हफ्ते में कलेक्शन थोड़ा डाउन हो गया था और फिल्म ने तीसरे हफ्ते में सभी भाषाओं से 28 करोड़ 91 लाख रुपए का ग्रोस कलेक्शन किया। अब दोस्तों चौथा हफ्ता जब फिल्म का आया था तो फिल्म की स्क्रीन काफी ज्यादा कम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी फिल्म ने चौथे हफ्ते में ऑल इंडिया ग्रोस कलेक्शन लगभग 15 करोड़ 72 लाख रुपए का किया। इसी के साथ दोस्तों देवरा फिल्म का शुरुआती 4 हफ्तों के अंदर सभी भाषाओं से इंडिया ग्रोस कलेक्शन हो चुका है 428 करोड़ 83 लाख रुपए। वही दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का जो ओवरसीज ग्रोस कलेक्शन है प्रोड्यूसर के हिसाब से वो 107 करोड़ 41 लाख रुपए का हो चुका है। इसी के साथ दोस्तों देवरा फिल्म का 28 दिनों में यानी कि 4 हफ्तों के अंदर जो वर्ल्ड वाइड टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 536 करोड़ 24 लाख रुपए का हो चुका है। जी दोस्तों प्रोड्यूसर के हिसाब से ये फिल्म दुनिया भर में 536 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हो चुकी है। दोस्तों अब अगर बात करें बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की अगली फिल्म किंग के बारे में, जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है सुजोय घोष ने और इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ में हमें देखने को मिलेगी उनकी ही सुपुत्री सुहाना खान। तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट ईयर शाहरुख खान ऑलरेडी 3 बड़ी फिल्में दे चुके हैं, पठान, जवान और डंकी, और तीनों ही फिल्मों ने दुनिया भर में ऐतिहासिक कमाई की थी और इस वक्त पूरा हिंदुस्तान या यूं कहे पूरी दुनिया शाहरुख खान की अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब दोस्तों ये न्यूज तो ऑलरेडी काफी पहले लीक हो चुकी थी कि शाहरुख खान की अगली फिल्म का नाम किंग होने वाला है, लेकिन अभी तक इस फिल्म के मेकर्स ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की थी, जिसका इंतजार इस वक्त सभी शाहरुख खान के फैंस कर रहे थे। तो दोस्तों जितने भी शाहरुख खान के फैंस हैं उन सबका इंतजार बस कुछ ही दिनों में पूरी तरह से खत्म होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये गुड न्यूज दे दूं कि यहां पर शाहरुख खान ने किंग फिल्म का जो फोटो शूट है वो कल रात को कंप्लीट कर लिया और बहुत ही जल्द इस फिल्म के पोस्टर्स भी डिजाइन कर दिए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात वही निकल कर आती है कि किंग फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर 2 नवंबर यानी कि शाहरुख खान के जन्मदिन के मौके पर किंग फिल्म का ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया जाएगा, जहां पर शाहरुख खान का इस फिल्म से लेकर आपको एक दमदार फर्स्ट लुक भी देखने को मिलेगा। हालांकि यहां पर 2 नवंबर को पोस्टर रिलीज होगा या फिर मोशन पोस्टर, इसे लेकर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन इतना तो पक्का है कि भैया 2 नवंबर को शाहरुख खान के बर्थडे पर उनके सभी फैंस को शाहरुख खान किंग फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट करके एक बड़ा तोहफा देने वाले हैं। तो दोस्तों जिस तरह शाहरुख खान ने पिछले साल ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लाइन लगा दी थी और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि किंग, पठान और जवान
जवान से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर हो सकती है, क्योंकि फिल्म का टाइटल ही 500 करोड़ का है। अगर फिल्म अच्छी हुई तो समझ जाइए कि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ कमा सकती है। तो बस इंतजार करिए, अगले हफ्ते यानी कि 2 नवंबर को आपको सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म का अनाउंसमेंट वीडियो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अब अगर बात करें पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के अपकमिंग फिल्म राजा साहब और सलार 2 के बारे में, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजा साहब की। तो दोस्तों कल प्रभास के जन्मदिन के मौके पर राजा साहब फिल्म का एक और मोशन पोस्टर रिलीज हुआ, जिस पोस्टर को देखकर फिल्म के लिए जो एक्साइटमेंट थी वो थोड़ी कम हो गई। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों जब यहां पर राजा साहब फिल्म के 3 बैक टू बैक पोस्टर्स आए थे, उन पोस्टर्स में प्रभास काफी खूबसूरत और काफी डेसिंग लग रहे थे। लेकिन दोस्तों कल जहां राजा साहब का एक और पोस्टर आया, जिस पोस्टर में प्रभास एक बूढ़े अवतार में यानी कि किंग रोल में देखने को मिल रहे हैं, ये पोस्टर देखने में थोड़ा सा वियर्ड है। मतलब कि यहां पर फिल्म के डायरेक्टर चाहते तो प्रभास का ये मोशन पोस्टर और भी बेहतरीन तरीके से बना सकते थे, जिससे देखकर ही लगता कि यार क्या खतरनाक लुक है प्रभास का। लेकिन कहीं ना कहीं इतने बड़े सुपरस्टार है प्रभास और उनका जो लुक है उनके स्टारडम के हिसाब से थोड़ा फीका लगा, बट फिर भी इस मोशन पोस्टर का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो काफी तगड़ा है और फिल्म की कहानी हॉरर कॉमेडी है, यानी कि फिल्म में डर भी होगा और कॉमेडी भी होगी। तो एक उम्मीद तो है कि भैया जब ये फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होगी तो लोगों को पसंद आ सकती है और शायद प्रभास के करियर की एक और ब्लॉकबस्टर बन सकती है। हालांकि दूसरी तरफ अगर बात करें प्रभास की अपकमिंग फिल्म सलार 2 के बारे में, तो दोस्तों जैसे कि आप सब जानते हैं प्रशांत नील के डायरेक्शन में बनी फिल्म सलार जो कि लास्ट ईयर आई थी और उस फिल्म ने दुनिया भर में 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का टैग हासिल किया था। अब सलार पार्ट 1 में ही ये बता दिया गया था कि भैया इसका सीक्वल भी बनेगा, लेकिन पिछले दिनों से सलार 2 को लेकर कोई भी बड़ी अपडेट नहीं आ रही थी। लेकिन कल प्रभास के जन्मदिन के मौके पर इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है होमबाले फिल्म्स, उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि यहां पर सलार फिल्म की जो शूटिंग है वो शुरू कर दी गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सलार 2 की शूटिंग हैदराबाद में कल से ही यानी कि प्रभास के जन्मदिन के मौके पर ही शुरू कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि सलार की शूटिंग शुरू हो गई है लेकिन अभी तक प्रभास ने शूटिंग में हिस्सा नहीं लिया। मतलब कि यहां पर फिल्म के जो मेकर्स हैं ना, वो फिल्म के जो बाकी हिस्से हैं जहां पर प्रभास नहीं रहेंगे वो वाले हिस्सों को शूट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि प्रभास कब से सलार 2 की शूटिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन भैया यहां पर फिल्म की शूट स्टार्ट हो चुकी थी, उम्मीद कर सकते हैं कि ये फिल्म इसी साल तक बन जाए और 2025 के एंड में सलार 2 हमें बड़े पर्दे पर देखने को मिल जाए। हालांकि उम्मीद कर सकते हैं कि सलार 1 जितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी ब्लॉकबस्टर सलार 2 बनेगी, क्योंकि सलार 2 की जो हाइप है ना वो आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन दोस्तों अब अगर अंत में बात करें इस साल की सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म सिंघम अगेन के बारे में, तो रोहित शेट्टी के कोप यूनिवर्स का अगला पार्ट सिंघम अगेन, जिस फिल्म में सुपरस्टार अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे एक बड़ी स्टार कास्ट देखने को मिलेगी। अब दोस्तों फिल्म रिलीज होने जा रही है 1 नवंबर यानी कि दीपावली के मौके पर और इस फिल्म के रिलीज में अब सिर्फ 1 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर सिंघम अगेन की जो एडवांस बुकिंग है वो फाइनली 2 दिन पहले ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों में शुरू कर दी गई है। लेकिन फिल्म की एडवांस बुकिंग इंडिया में अभी तक शुरू नहीं हुई है। इंडिया में फिल्म की बुकिंग क्यों नहीं शुरू हुई इसके बारे में अगर बात करें, तो दोस्तों आपको बता दें कि जैसे कि आप सबको पता है कि दीपावली के मौके पर सिंघम अगेन के साथ में एक और बॉलीवुड की फिल्म आएगी जिसका नाम है भूल भुलैया 3। तो यहां पर जो भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन के मेकर से इन दोनों के बीच में स्क्रीन्स को लेकर बेहतरीन झगड़ा चल रहा है, जिसके चलते इन दोनों ही फिल्मों की इंडिया की बुकिंग अभी तक शुरू नहीं की गई। दरअसल दोस्तों यहां पर सिंघम अगेन के मेकर्स का कहना है कि नॉर्थ इंडिया में यानी कि हिंदी मार्केट में लगभग 550 स्क्रीन से जिसमें से सिंघम अगेन को 3500 स्क्रीन्स दी जाए, वही भूल भुलैया 3 को सिर्फ 2000 स्क्रीन्स। जबकि भूल भुलैया 3 के जो मेकर्स है वो ये चाहते हैं कि भूल भुलैया 3 को 3000 स्क्रीन्स मिले और सिंघम अगेन को सिर्फ 2500। यानी कि दोस्तों दोनों ही फिल्मों के मेकर्स चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन्स उनकी फिल्म के पास में रहे। तो इन दोनों के बीच में जो झगड़ा चल रहा है ना, जिसके चलते अभी तक सिनेमाघर वाले इन दोनों ही फिल्मों की एडवांस बुकिंग को इंडिया में शुरू नहीं कर पाए। तो देखते हैं कि कब इनका झगड़ा खत्म होगा और शायद 1-2 दिनों में इन दोनों ही फिल्मों की इंडिया में जो एडवांस बुकिंग है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन इस वक्त अगर बात करें सिंघम अगेन के ओवरसीज एडवांस बुकिंग कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें कि सिंघम अगेन की ओवरसीज मार्केट में यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यूएई यानी कि
अरब कंट्रीज में एडवांस बुकिंग 2 दिन पहले शुरू हुई थी, जहां पर अभी तक इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में $2,87,000 की एडवांस बुकिंग कर ली है, जो कि इंडियन करेंसी के हिसाब से 2,41,00,000 रुपए होते हैं। तो दोस्तों, फिल्म की ओवरसीज की एडवांस बुकिंग सिर्फ अभी 300-400 स्क्रीन पर शुरू हुई है, जबकि सिंघम अगेन विदेशों में लगभग 1500 स्क्रीन पर रिलीज होगी। तो जैसे जैसे इस फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आएगी, इस फिल्म की ओवरसीज में एडवांस बुकिंग ज्यादा ज्यादा स्क्रीन पर ओपन होती रहेगी, और उम्मीद करते हैं कि जब तक फिल्म रिलीज होगी उसके पहले ही ये मूवी ओवरसीज में भी एक तगड़ा एडवांस बुकिंग कलेक्शन कर लेगी। और 1-2 दिनों में जैसे ही इंडिया में इस फिल्म की बुकिंग शुरू होगी, तो देखते हैं कि इस फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भूल भुलैया 3 के मुकाबले कितना बेहतर रिस्पॉन्स मिलता है। हालांकि सबसे बड़ा दिलचस्प देखना तो ये होगा कि दीपावली के मौके पर भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन में कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा स्क्रीन लेती है, और इन दोनों ही फिल्मों में से कौन सी फिल्म बड़ी ब्लॉकबस्टर बनती है। वैसे दोस्तों, आप इस दिवाली कौन सी फिल्म सिनेमाघर में सबसे पहले देखोगे, भूल भुलैया 3 या सिंघम अगेन? अपनी पसंद की फिल्म का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपने माता पिता का। जय हिंद, वंदे मातरम।